गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं मैजिशियन राइडर आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। और आज का ये चैनल इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर होने वाला है। सो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कोलकाता एयरपोर्ट से। सो ये जर्नी आज स्टार्ट हो रहा है इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ निकल रहा हूँ बैंकॉक सुवर्ण भूमि। तो मेरे पीछे पीछे बाकी मेरे सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अभी दो हैं, क्रिस एंड विटल। सो चलिए कोलकाता एयरपोर्ट से आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। हमने अभी बोर्डिंग पास लेके अंदर चेक इन कर लिया है, अभी जा रहे हैं फ्लाइट के तरफ। लेट्स गो इनसाइड द फ्लाइट और टेक ऑफ करते हैं सुवर्ण भूमि के लिए। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, पीछे आ रहे हैं ना? हाँ, आ रहे हैं पीछे। सो लेट्स गो इनसाइड द फ्लाइट। मॉर्निंग इंडिया, अभी हम हैं DMK इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक पे। तो यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल साइट पे हम खड़े हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे पहुँच गए करीब लगभग 4:50 AM के आसपास। आने के बाद हमने ई वीज़ा नहीं लिया था, तो हमने अपना वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म फिल करके वहाँ से इंडिया से लेके आए थे। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप बैंकॉक ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड के लिए, तो अपना वीज़ा फॉर्म घर से प्रिंट करके फिलअप करके लाएँ। और यहाँ पहुँचने के बाद हमने इमिग्रेशन में वीज़ा ऑन अराइवल जो साइड है वहाँ पे जाके सबका फॉर्म सबमिट किया, मेरे जो 10 स्टूडेंट्स पीछे आ रहे हैं सबका। और जब आप वीज़ा फॉर्म आपका सबमिट करते हैं तो आपको अराउंड 20-30 मिनट वेट करना पड़ेगा। एक्सप्रेस लाइन के लिए आपको 200 थाई बाट ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर जब हमने अप्लाई कर दिया, सबका हो गया, देन हमको मिल गया 30 मिनट्स के बाद हमारा वीज़ा। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड टू बैगेज, जो बेल्ट है वहाँ पे जा रहे हैं अपना बैग लेके, फिर निकलेंगे एयरपोर्ट से बाहर। तो चलिए गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट द डे विद अ न्यू व्लॉग। सो हम यहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसे स्वागत किया गया है ये हमारा नाम। हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर। जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये है पार्किंग एरिया और ये पहुंच चुका है हमारा गाड़ी हमें लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं कार के अंदर। लेट्स गो इनसाइड। थैंक यू सर। ये इज आवर वैन आ चुका है और यहाँ पे अभी हम लगेज रख के जाएंगे इसमें अपने होटल। तो अभी हम अपने वैन के अंदर हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये पहला वाला वैन है, दूसरा वैन पीछे आ रहा है। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ। तो चलिए चलते हैं होटल पे, वहाँ पहुँच के फिर बात करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। ये रहा पीछे का नज़ारा, यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है। जो होटल है वो टाउनिंग होटल है इसका नाम, और ये है बैंकॉक में। तो चलिए मैं आपको अपना जो रूम है उसका एक बार वॉक कराऊँ, विजुअल दिखाता हूँ। हाँ, इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बैंकॉक आ रहे हैं तो BKK एयरपोर्ट जो है BKK में करें, और वहाँ से डोंगमेओंग से भी पटाया लगभग नज़दीक ही पड़ता है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको सुबह बता दिया था, और एक वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। पीछे ये रहा मेरा भाई मनीष। तो चलिए चलते हैं अपने रूम के तरफ, आपको रूम का शेयर कराते हैं। ये रहा अपना रूम की 09।
भाई। और ये आ गए हम रूम अंदर। डबल बेडरूम है, सेपरेट डबल बेडरूम, बेड सेपरेट है। अगर आप ऐसे सेपरेट लेना चाहते हैं सेपरेट ले सकते हैं, अगर आप मतलब एक साथ लेना चाहते हैं जॉइंट वाला वो भी ले सकते हैं। तो खाना मंगाया था अभी KFC से, क्योंकि यहाँ का खाना तो हमसे खाया नहीं जाता, KFC मंगा के खाया है। यहाँ पे थोड़ा अभी रेस्ट करेंगे फ़िलहाल। कुछ देर रेस्ट करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी मौजूद हैं सबको लेके जाऊँगा ट्रेनिंग के लिए। तो तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें, कुछ देर रेस्ट करके फिर निकलते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। कीप वॉचिंग। तो थोड़ा बहुत रेस्ट करके होटल से हम निकल चुके हैं ट्रेनिंग के लिए। जो ट्रेनिंग सेंटर है थाईलैंड का, मेरे दोस्त का जो नज़दीक ही है तो वर्केबल डिस्टेंस पे है, इसलिए हम चलते चलते जा रहे हैं, पीछे पीछे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के स्ट्रीट्स के वॉक अराउंड कुछ विजुअल्स, और चलते चलते बात करते करते पहुँचते हैं जिम। वहाँ पे करेंगे एक ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट, देन हम फिर रिटर्न करेंगे होटल। तो बने रहें ऐसे ही वीडियो में, आगे देखें और भी अच्छा लगेगा ट्रेनिंग का सेशन। तो हम चलते चलते जा रहे हैं जिम के तरफ। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, लोग यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रिफर करते हैं, पॉल्यूशन की वजह से ये लोग ज़्यादा पेट्रोल डीजल व्हीकल यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर कार्स यहाँ पे बैटरी का है। और बाइक्स भी इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको स्कूटी वगैरह देखने को मिलेंगे, और कार्स तो भाई यहाँ पे जैसे मानो कि यहाँ पे फॉर्चुनर टैक्सी चलता है। हाँ मैं भी ऐसे सोच में पड़ गया था। सो और ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है, तो फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग सेंटर के सामने, यह है ट्रेनिंग सेंटर मेरे दोस्त का। सो लेट्स गो इनसाइड, अंदर जाके करते हैं ट्रेनिंग। फाइनली ट्रेनिंग करके हम आ चुके हैं अपने होटल। बच्चों ने आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, फिलीपींस, रशिया, बैंकॉक और चाइना की टीम, बहुत सारे टीम्स के साथ ट्रेनिंग किया वो लोगों ने। और ट्रेनिंग करने के बाद अभी हम आ चुके हैं होटल में।
बहुत ही टायर्ड हैं सब, मैं भी खुद टायर्ड हो गया हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं तक था। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। डे टू हमारा कल है बैंकॉक में, सो कल सुबह फिर स्टार्ट करते हैं नया जर्नी। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू वॉच द सेकेंड वीडियो। जय हिंद, जय भारत।